हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं सुसाइड स्क्वाड के 8th पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पूरी टीम अपने फ्लाइंग बेस के अंदर है और डेडशॉट की वाइफ और उसकी बेटी बाहर हैं। ओसीटा कहती है, बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ देख लिया। डेडशॉट कहता, क्या हो गया बहुत ज्यादा? वो कहती है, तुम्हारी बच्ची तो आसपास नहीं है ना? वो कहता है, नहीं, वो बाहर खेल रही है और उसकी मॉम भी उसके साथ है और उसका कुत्ता डेडशॉट। विंक कहती है, उसने अपने कुत्ते का नाम डेडशॉट रखा है, वाह। डाइसलिन कहती है कि विंक और मैंने उस हार्ड ड्राइव में से काफी कुछ देखा जो अभी हमें उनसे मिला था, और हमें काफी ब्लैक मनी के बारे में पता चला और हमें एक ही नतीजा निकला, हमें पता है इस आदमी के पास ही सारा कुछ होगा। ओसीटा कहती है, हमें टेड कोर्ट के भेजे में गोली डालनी होगी। डाइसलिन कहती है कि उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, उसने बेदेंसिया के आसपास काफी आइलैंड को भी खरीदा हुआ है। आर्ले कहती है, ये क्या कोई प्रेजेंटेशन होने वाली है? तो वो कहते हैं, लो तुम्हारे लिए स्नैक्स भी हैं। तो थाइसलिन कहती है कि कोर्ट के पास उसकी जेब में सभी सेनेटर्स, मेंबर ऑफ कांग्रेस, फॉरेन डिप्लोमेट, एम्बेसडर्स और दो प्रिंसेस भी है। उसने यूएस के गवर्नमेंट को कन्विंस भी कर लिया टास्क फोर्स उनको बेचने के लिए। उसने वो सबमरीन भी ऑस्ट्रेलिया को इसलिए बेची थी ताकि वो साउथ चाइना के सी में भी अपना कब्जा जमा सके। डेडशॉट कहता है, वो क्यों? तो आईडी कहता है, क्योंकि उसको मेरी कंट्री चाहिए, उसे पता है कि वहाँ पर उसे क्या मिलेगा जो हमने भी 10 साल पहले ही ढूंढा था। आर्ले कहती है, वो क्या था? तो थाइसलिन कहती है कि वहाँ पर कच्चे तेल के बहुत ही ज्यादा भंडार हैं, जितने पूरी दुनिया में नहीं होंगे। तो डेडशॉट कहता है, क्या ये गलत है? तो थाइसलिन कहती है, तुम्हें पता है ईस्ट टिमोर में क्या हुआ था जब उनको पता चला कि वहाँ पर ऑयल और गैस है? वो कहता है, नहीं। तो वो कहती है, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगी, पढ़ लेना। आईडी कहता है, हमारी कंट्री बहुत ही ज्यादा खुशहाल थी और तभी ये मुसीबत हमारे पास आ गई। तो डेडशॉट कहता है, उसमें क्या बुराई है, उसको बेचो और रिच हो जाओ। वो कहता है, हम उसको ग्राउंड में ही रखना चाहते हैं। तो डेडशॉट कहता है, तुम गोल्ड पर बैठे हो, या ये कहूं जो गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है, तो तुम क्यों नहीं बेचना चाहते? वो कहता है कि हमारा आइलैंड चारों तरफ से पानी से घेरा हुआ है, तो अगर हमने वहां से ये सब निकालना भी शुरू कर दिया तो वो डूब भी सकता है। इसको रोकने के लिए हम काफी कुछ कर चुके हैं पहले ही सेक्रीफाइस। आर्ले कहती है, मुझे कुछ और लिंक बताओगे इसमें? वो कहता है कि मुझे 5 साल पहले किडनैप कर लिया गया था, उन्होंने मुझे मेरी मॉम से छीन लिया और उन्होंने कहा था कि वो मुझे तभी छोड़ेंगे अगर वो व्यापार करेंगे तेल का। तो मेरी मदर प्रेसिडेंट थी, उन्होंने कंट्री को चुना, अपने चाइल्ड को नहीं। मेरे किडनैपर्स को पता लग गया कि मैं उनके लिए यूजलेस हूँ, कि उन्होंने मुझे कहीं और बेच दिया, और वो भी एक ग्रुप को जिन्हें कहा जाता था द पोस्ट ह्यूमन प्रोजेक्ट। उन्होंने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करे और एक दिन उन्होंने मुझे काफी ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया, और तभी उसे पता लगा कि उसके पंख हैं और वो उड़ भी सकता है। और हम देखते हैं कि विंक भी ये सब देख रही होती है, पर उन्होंने उसे चैन के साथ बांधा होता है और वो उसको वापस खींच लेते हैं। यहाँ पर वो अपने सेल में बैठा होता है, तभी विंक वहाँ आती है और कहती है, हेलो, मैंने तुम्हें वहाँ पर उड़ते हुए देखा था, ये तो बहुत ही बढ़िया था। वो कहते हैं, तुमने कैसे देखा, तुम वहां तक कैसे पहुंची? वो कहती है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनका एक्सपेरिमेंट मुझ पे वर्क कर गया, और मैं उनको बताने भी नहीं वाली। अगर उन्हें लगा कि मैं बाकियों की तरह यूजफुल हूँ तो वो मुझे भी यहाँ से गायब कर देंगे। तो वो कहता है, बाकी कौन? तो वो कहती है, यहाँ पर काफी लोग पहले गायब हो चुके हैं। वो अपने पंखों की ओर इशारा करते हुए कहता है, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ किया था? वो कहती है, नहीं, उन्होंने मुझे ऐसे ब्यूटीफुल पंख तो नहीं दिए। वो कहता है, ये ब्यूटीफुल नहीं है। वो कहती है, मेरी बात मानो, अगर ये अटैच नहीं होते शायद मैं ले लेती, और इसको मैं मजाक कर रही हूँ, तुम इसको धमकी मत समझना। वो बताती है, हाँ, उन्होंने मेरे पे भी एक्सपेरिमेंट किया, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी पूरी बॉडी जल रही है, जैसे हजारों ही हुक्स मुझे खींच रही हूँ। वो कहता है, मुझे सुनकर बुरा लगा। वो कहती है, कोई नहीं, अभी सब कुछ खत्म हो चुका है, क्या तुम्हें भूख लगी है? वो कहता, लगी तो है, पर वो जो देते हैं वो मुझे नहीं खाना। वो कहते, कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा ले आती हूँ, क्या तुम्हें वो पसंद है? तो वो कहता है, हाँ, पसंद होगा ही, मैं एक बर्ड पर्सन हूँ, मॉन्स्टर नहीं। तभी वो वहां से गायब हो जाती है। वो एक पिज्जा ले आती है, तो वो कहता है, ये क्या किया तुमने? तो वो कहती है कि वहां के गार्ड के पास ये पिज्जा पड़ा हुआ था, मैं वहां से ले आई। वो कहता है, ये नहीं, तुम गायब कैसे हो गई? वो कहती है, अच्छा हाँ, मैं टेलीपोर्ट कर सकती हूँ, वो मेरा नाम है विंक। तो वो कहता है, मैंने अभी अपना नाम नहीं सोचा। वो कहती है, चलो पिज्जा खाते हैं, और तुमने नोटिस किया होगा कि ये जगह कभी कभी कांपती है, तुम जानना चाहोगे क्यों? वो उसे ले जाती है टेस्ट चैम्बर में। वो कहती है, पता नहीं ये पहले क्या था, पर अभी तो ये जेवियर और लोला का घर है, इन्हें टीएन टीन्स कहा जाता है, वहां पर दो बच्चे होते हैं। वो कहते हैं, तुम ये किसी को ले आई यहाँ पर? वो कहती है, ये मेरा नया दोस्त है, चलो अभी कुछ खाते पीते हैं। वो कहता है कि हम एक दूसरे के काफी करीब आ गए, पर तभी वहां पर एक मॉन्स्टर आया जिसने हमको अलग कर दिया, और ये है अमेंडा वॉलर। वो कहती है, लोला जेवियर, 2 साल पहले तुम किसी मुसीबत में फंस गए थे, अभी तुम्हें अपने कंट्री का एहसान चुकाना होगा, मैंने उन 2 सालों को खरीदा है। वो कहती है, लोला को लेके आ जाओ। एडी कहता है, वो लेके जा रहे हैं उसे। विंग कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना, यहाँ से लोग गायब हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं एडी उसे बचाने के लिए चला जाता है, वो उसको उनके हाथों से उठा लेता है, वो लोग उस पर फायर कर देते हैं। तो अमेंडा कहती है, ऐसे मत करो, बच्ची को लग जाएगी। अभी वो मॉन्स्टर एडी को पकड़ लेता है और उसके एक पंख को कुचल देता है। अमेंडा कहती है, ये भी एक क्रिमिनल था? वो कहता है, नहीं,
मेंढा कहती है ये शर्म की बात है, वो उसको लेके वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर वो कहता है तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की। वो कहती है मैं थोड़ा डर गई थी, मैं उनको नहीं बताना चाहती कि मेरे पास क्या शक्तियां हैं, मुझे माफ कर दो। वो उसके पंख को पट्टी करती है। वो कहता है मेरे विंग को 6 हफ्ते लगे ठीक होने में, और फिर एक सुबह आई। विंग उसे कहती है हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो वो कहता है कैसे। तो वो कहती है यहाँ से निकलना तो आसान है, मेन तो यह है कि हम कहीं समुंदर में बह ना जाए, क्योंकि मैं ज्यादा दूर तक टेलीपोर्ट नहीं हो सकती, इसी में तो तुम्हारा काम आएगा, तुम हमें उड़ा सकते हो। तो वो कहता है मैं ज्यादा नहीं उड़ा, मुझे इसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो वो कहती है यहाँ भी हम सड़कर मर जाएंगे, इससे अच्छा है हम यहाँ से बाहर निकलें। तो वो कहता है हम जेवियर को भी साथ लेकर जाएंगे। वो कहती है हाँ जरूर, क्या तुम दो बंदों को उठा पाओगे। वो कहता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं उसको वहां पर नहीं छोड़ सकता। और यहाँ पर वो टेलीपोर्ट होकर बाहर निकल चुके हैं और वो उनको उड़ाकर ले जाता है। वो कहता है हम फ्री हैं। तभी वो पीछे देखती है, उनके पीछे उनका जहाज लग जाता है। एरी कहता है ये हमें यहाँ से नहीं जाने देंगे। विंग कहती है मैं उन्हें मौका ही नहीं दूंगी, तुम उड़ते रहो। वो वहां से गायब हो जाती है। तभी वो पायलट के पीछे टेलीपोर्ट हो जाती है। वो कहती है मुझे तुम पसंद नहीं आए। वो पायलट को प्लेन के बाहर टेलीपोर्ट कर देती है और वो वापस एरी के पास पहुंच जाती है। और तभी वो उसका नाम भी रख देती है दी एरी। वो कहता है ये क्या है। तो वो कहती है इसका मतलब है सबसे ऊपर और सेफ। पीछे जहाज क्रैश हो जाता है और वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं। जेवियर कहता है ये अच्छा है, पर ये थोड़ा ऑकवर्ड है मेरे लिए। आर्ले कहती है स्टार्टिंग थोड़ी बुरी थी, पर एंडिंग चलो अच्छी हो गई। डैडशोर कहता है तो वो इसीलिए तुम्हारी कंट्री को कब्जा करना चाहता है ताकि वो वहां पे रिच बन जाए। ये बंदा एकदम से अपना एम्पायर खड़ा करना चाहता है। उसीटा कहती है हमें कुछ करना होगा, पहले तो वो एक युद्ध छेड़ने वाला था और फिर उसने एक इलेक्शन को भी खराब कर दिया। आर्ले कहती है कि वो उसके आसपास के आइलैंड ही क्यों कर रहा है, वो एक कंट्री को ही क्यों नहीं तबाह कर देता। वो सीटा कहती है क्या एक पूरी कंट्री को, मजाक है क्या। अभी डेडशॉट को कुछ याद आता है। वो कहता है बेसमेंट में कुछ बड़ा था। वो सीटा कहती है क्या कहा तुमने। तो वो कहता है कि जब तुम टास्क फोर्स एक्स में नहीं थी तो वॉलर कुछ बात कर रही थी कि बेसमेंट में कुछ बहुत ही बड़ी चीज है, और मुझे ऐसा लगा था कि शायद वहां पर कोई बहुत ही बड़ा मेटा ह्यूमन है, और शायद हो सकता है बहुत ही बड़ा बॉम्ब हो। यहाँ हम देखते हैं कि लोला को टेड ने अपने कब्जे में किया हुआ है। वो कहता है लोला तुम्हें कैसा लग रहा है, ये सब कुछ बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। लोला कहती है तुम्हें कोई रोकने जरूर आएगा। वो कहता है तुम्हारे पास यही धमकी देने को बची है मेरे लिए, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारा काम खत्म होने वाला है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।